हमारी पहचान, हमारा गर्व। सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक हो? चलो ठीक है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी है हमारी मातृभाषा, हिंदी है हमें बड़ी प्यारी, हिंदी की सुरीली वाणी हमें लग के हर पल प्यारी। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो बच्चों, इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को कुछ जानकारी देना चाहूँगी। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 साल में हिंदी भाषी 10 करोड़ बढ़े। 5 साल में दक्षिण में हिंदी सीखने वाले 22% बढ़े। शब्दकोश में शब्द 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गए। इंटरनेट में हिंदी 94% की दर से बढ़ रही है। 68% लोगों ने हिंदी पर दिखाया भरोसा। तो इस हिंदी दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के दोस्त नोनो ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसी देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका। सत्ता में आसीन लोगों और जाति भाषा बनाने नहीं दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्ज दिलाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली चरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि लोगों ने बहुत से प्रयास किए। तो बच्चों, आपको मालूम है इस दिवस में हम अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जैसे कि चित्रकला स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा, गायन स्पर्धा और बहुत सारे आदि। तो बच्चों, ये थी जानकारी हिंदी दिवस की और आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।